अज़ीज़ दोस्तों मुहतरम नाजरीन मैं हुसैन दरियास हूँ और खुदाबन का मशकूर वमनून हूँ एक और दिन के लिए एक और मौके के लिए कि खुदाबन ने मुझे अता फरमाया खुदाबन की रहमतों की नस्बत है कि मैं नफ़स हयात रख सकता हूँ मैं खुदाबन का मशकूर हूँ क्योंकि वो अली वो अला वो अजीम और मैं और मैं हकीर हूँ वो बे न्याज खुदाबंद है और मैं न्याजमंद हूँ इसी वजह से मैं उसका मशहूर हूँ जब मैं किताब मुक़दस को पढ़ता हूँ तो अरमिया के नौहे में से अगर मैं पढ़ूँ तो खुदाबन का कलाम खुदाबन के रहमतों के बारे में हमें फरमाते हैं कि खुदाबन की जो रहमत रहमत है वो हमारे लिए हर सुबह तजदीद होती है उसकी हर सुबह खुदाबंद हमें एक और मौका फराहम करता है ताकि हम उसकी तरफ लौटें नोहे की किताब और उसके तीसरे बाप को अगर हम पढ़ें तो एक दुखी नबी एक दुखी नबी बूढ़ा उसने बहुत से मुश्किलात देखे ये शख्सी मुश्किलात नहीं शख्सी मुश्किल से बढ़कर मुश्किल रूहानी मुश्किल क्योंकि इस नबी ने जवानों को गिरफ्तारी में जवानों को जवाना, जवानों को देखा कि वो कैसे गुलाली गुलामी में गए उसने ये सब कुछ देखा दीवारों का तोड़ना खुदा के घर का लूट जाना इन सब चीजों को देखा बाकी सब जो बूढ़े हैं जो कमजोर हैं वो ही यरूशलम में रहे हैं बाकी सब के सब गए तो वो बहुत दुखी है इन सब दुखों को जो वो अपने नजर में देखता है तो खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं और वो खुद कहते हैं कि मैं कितना ना तबान हूं उसने लिखा है उसने मुझे तलखी से भर दिया और नाग दोने से मदहोश किया उसने संगरेजों से मेरे दांत तोड़े और मुझे खाके स्तर में लिटाया तूने मेरी जान को सलामती से दूर कर दिया मैं खुशहाली को भूल गया खुशहाली किस तरह होती है मैं इसको भी भूल गया और मैंने कहा मैं नातवान हुआ और खुदावन से मेरी उम्मीद जाती रही कभी कभार हम अपनी जिंदगी में भी ऐसे ही सोचते हैं हम सोचते हैं कि जब मुश्किल आते हैं हमारे ऊपर जब मसाइब आते हैं और जब हर तरफ हमें अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है हम भटके हुए जैसे हम हमने अपने राह को खो दिया है जब ऐसी हालत होती है तो हम भी इसी तरह नाला होते हैं क्या अः खुदाबंद तू कहाँ है मेरे दुख का ख्याल कर मेरी मुसीबत यानी तलखी और नाक दोने को याद कर इन बातों की याद से मेरी जान मुझ में बेताब है मैं इस पर सोचता रहता हूँ इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ हकीकत यह है कि एक खादिम, एक ऐसा शख्स जिसका ईमान खुदावन पर है कि एक खुदावन कादर मुतलक है हमारा नफस दहंदा रोजी दहिंदा हमारा पालनहार है तो मुश्किलात में भी कठिनाइयों में भी हर एक चीज़ में हमें सोचने की जरूरत है अपने खाल के बारे में इसी वजह से ये नबी यहाँ पर फरमाते हैं मैं इस पर सोचता रहता हूँ इसीलिए मैं उम्मीदवार हूँ उम्मीदवारी जो है वो लाजमी है हमारे लिए तेईस आयत उसके तीन बाब नोहे की किताब या मरसिए की किताब गमों की किताब में ये शायर वो कहते हैं खुदावन की तरफ से उनके लिए ये है और वो कहते हैं कि ये खुदावन की शफकत है ये खुदावन की शफकत है कि हम फना नहीं हुए क्योंकि उसकी रहमत लाजवाल है वो हर सुबह ताज़ा है तेरी वफादारी अजीम है मेरी जान ने कहा मेरा बखरा खुदावन है इसलिए मेरी उम्मीद उसी से है मेरी उम्मीद उसी से है खुदावन उन पर मेहरबान है जो उसके मुंतजर हैं उस जान पर जो उसकी तालिब है और फिर जो हम सोचते हैं कि सारी मुसीबतें मुझ ही पर आन पड़ी है अपने घर में मुश्किल को देखें शायद घर में मुश्किल है शायद फाका कशी है शायद महाजरत है मसायब है कंगालपन आया हुआ है इन सब बातों को देखकर हम अपने दिल में दुखी जरूर होते हैं मगर एक मोमिन एक मोमिन का मरकजी तवज्जो चशम दोजी से है क्योंकि जिस खालिक ने मुंह दिया है वो मुहैया भी कर सकता है जिस खालिक ने हमें सांस लेने की कवत दी है वो मुहैयागर खुदावंद खुदावन भी है यह हुआ यरी इसी वजह से यह नबी फरमाते हैं ये खूब है कि आदमी उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावन की निजात का इंतजार करे खामोशी से खुदावन की निजात का इंतजार करे यानी ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं जब मुसीबतें हम पर आन पड़े उम्मीद रखना खुदावन पर यकीन रखना उसकी आजमत पर और ये कि वो हमारा मुश्किल कुशा है हकीकी मुश्किल कुशा लोग मज़ारों पर जाते हैं जियारात में जाते हैं और इंसान मरे हुए इंसानों को अपना मुश्किल कुशा मुश्किल कुशा कहकर वो पुकारते हैं और भर दो झोली भर दो झोली कर कहकर मुर्दों में से मुर्दों को वो मुखातिब करके उनसे मांगते हैं हालांकि यहां पर एक जिंदा खुदावंद है हमें उस जिंदा खुदावंद से मांगनी चाहिए खुदावंद हमारा खुदा भला खुदा है वो कहता है चखो और जानो कि मैं भला हूं और वो हमारी भलाई हमेशा चाहता है वो हमारा आसमानी पिदर है आसमानी पिदर वो बाप जो हमेशा से अजल से लेकर अब तक है अगर हम उस पर यकीन रखते हैं तो हमारी जो यकीन है उम्मीद है वो हमेशा ताबिंदा है इसी वजह से नबी फरमाते हैं कि ये खूब है बहुत ही खूब है कि एक आदमी एक मोमिन, उम्मीदवार रहे और खामोशी से खुदावन की निजात का इंतजार करे और मैं दुआ करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम में जब हम फिर खुदा के मुकद्दस कलाम में से बहन सारा से कलाम सुनेंगे बिलखसूस ये बहनों के लिए लाजमी है और उनका पैगाम भी बहनों के लिए है मगर खुदा का कलाम मर्दों के लिए भी मसर है चाहे वो कहीं से भी आए खुदा बच्चों को इस्तेमाल कर सकता है या तामीद देने वाला युहन्ना तामीद देने वाला यही वो कहता है कि यह ना सोचो कि तुम इब्राहिम के औलाद हो इस पर फख्र ना करो क्योंकि खुदा कादिर है कि इन पत्थरों से इन कनकरों से इब्राहिम के लिए बच्चे पैदा करें और वो खुदा की तमजीद करें इसी वजह से हमें जिस हद तक खुदावन ने दिया है उस हद तक रहनी चाहिए और खुदा को जलाल देनी चाहिए बहन सारा ने बहुत खूबसूरती से कि खुदा ने मर्द और, और औरत को नर और नारी को यकसा बनाया है दोनों को खुदावन ने अपनी सूरत पर बनाया है खुदा की शबी पर बना है इसी वजह से हम इंसान को अशरफुलमखलूक़ात कहते हैं जब हम इंसान के बारे में बात करते हैं तो ये मर्द और, और औरत दोनों की यकसानियत के बारे में है मैं चाहता हूं कि एक दो आयत पांच बाब पैदाइश की किताब में से फिर से पढ़ूं और फिर दुआ कर करूँगा उसके बाद हम बहन सारा से सुनेंगे आज का पैगाम ये आदम का नस्प नामा है जिस दिन खुदा ने आदम को पैदा किया आदम मुफरत तो उसे अपनी शबी पर बनाया उसे उसे अपनी शबी पर बनाया मुफरत नर और नारी उनको पैदा किया दो नर और नारी उनको पैदा किया यहां पर हम जमा देखते हैं और उनको बरकत दी जमा और जिस रोज वो खलक हुए हुए दोनों के लिए बराबर उनका नाम आदम रखा उनका नाम आदम रखा एक का नहीं दोनों का नाम आदम रखा इसी वजह से हम कहते हैं हम आदमी हैं वो गीत याद आता है बॉलीवुड का आदमी मुसाफिर है आता है जाता है आते जाते रस्ते में यादें छोड़ जाता है आदमी यहाँ पर शेर में इस गीत में औरत या मर्द के बारे में नहीं आदमी के बारे में इंसान के बारे में चाहे वो मर्द हो औरत हो खुदावन ने उनको यकसां बनाया है अगर एक को उसने अपना बेटा कहकर खिताब किया दूसरे को अपनी बेटी कहकर खिताब किया है दोनों खुदा के फर्जंद हैं और दोनों जो है नर और नारी मसीह में खुदा के यकसा हमकार और खादम हैं यकसांकसां हमकार, यकसा हमकार।, यकसा हमकार। और मैं ये अपने तजर्बे से आपको बता देता हूँ मैं कारगर आदमी हूँ मेहनत कश आदमी हूँ खुदा का मैं शुक्र गुज़ार हूँ और खुदा की खिदमत भी करता हूँ खुदा ने मुझे बुलाया चौदह अगस्त उन्नीस सौ नब्बे को जिस रात को मैंने खुदाबन यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया दिल्ली में सनलाइट कॉलोनी दिल्ली में वहाँ पर मैंने अपना दिल खुदा को दिया उसी रात को खुदा ने मुझे बुलाया अपनी खिदमत के लिए मैं अकेला था अकेला था मगर खुदा बन ने रास्ते में मेरे लिए एक औरत एक बीवी बख्शी एक हमकार बख्शा इसी वजह से खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि यह अच्छा नहीं ये भला नहीं कि मर्द अकेले रहे और मर्द के लिए खुदावन ने एक हमकार भेजा यह नहीं कि वो उससे नीचे या दो और औरतें एक मर्द के बराबर ऐसे नहीं खुदाबंद यीशु मसीह के मकतब फिक्र में यीशु मसीह के तालीम में किताब मुकद्दस के तालीम में यहां पर हम मर्द और, और, और औरत को बिल्कुल यकसा पाते हैं कोई और मजहब दीन या धर्म या इंसानी फलसफा ऐसा नहीं कहता और जो ऐसा कहते हैं या तो वो बिल्कुल ही दूर जाते हैं जैसे कि फैमिनिज्म वो सिर्फ फैमिनिस्ट फैमिनिस्टिक वैल्यूज को ऊपर उठाते हैं कि बिल्कुल सिर्फ औरत ही औरत या फिर या फिर दूसरी जानब हम देखते हैं कि पिदर सालारी जहां पर बरसों से होती चली आ रही है दोनों के खिलाफ किताबें मुकदस हैं इसी वजह से खुदावन के कलाम में हम पढ़ते हैं कि मसीह में मर्द और, और औरत यकसा है और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद हम सबको बरक़ात से मालामाल करे जब हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आपके कमेंट्स पे पढ़ेंगे अगर आपकी कोई दुआ है या अगर आप टेलीफोन करना चाहें तो कर सकते हैं बाद में भी आप कर सकते हैं और हम ज़रूर आपसे बातें करेंगे अय खुदाबंद मैं शुक्रगुजार हूँ इस वक्त के लिए मैं मशहूर व ममनून हूँ खुदावन तेरे तेरे मोहब्बत के लिए तेरे इस फजल के लिए जो आज तूने बरसाया रहमत के लिए जिसकी तजदीद हुई आज मेरे लिए हमें बरकत अता फरमा ताकि हम तेरी खिदमत कर सकें तेरा कलाम लोगों तक पहुँचा सकें बहन सारा को अपनी रूह की भरपूरी अता फरमा खुदावन यीशु मसीह के मुकदस और मुबारक नाम से आमीन और आ, मैं कोशिश कोशिश करूँगा कि बहन सारा से आ, कांटेक्ट करूँ और आपसे मेरी गुजारिश है ख्वाहिश है कि आप उनके लिए दुआ में रहें ताकि जब हम खुदा के कलाम को सुनेंगे बहन से आ, तो खुदा का कलाम हमारे दिलों को छुए। बहन सारा खुश फिर से इस प्रोग्राम में धन्यवाद आ, मैं खुदा का शुजार हूँ कि दोबारा ये वक्त दिया है हमें ताकि हम उनके कलाम से बांट सके दूसरों के साथ और आ, मैं खुदा से ईसा मसीह के नाम से मांगती हूँ कि आज हम आ, यहाँ पे सिर्फ खुदा के कलाम से बात करें अब अप, हम अपने सुखन ना बोले बल्कि खुदा के रूप के मदद से हम खुदा के कलाम के बारे में बात करें यहाँ पे और आज हम नर और नारी के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे खुदा ने दोनों को एक साथ बनाया है और जितना खुदा मर्द से प्यार करते हैं या मोहब्बत करते हैं उतना ही है खुदा नारी से मोहब्बत करते हैं और जैसा आपने फरमाया कि इस दुनिया में या तो मर्द को ऊंचा उठाया जाता है या तो नारी को ऊंचा ऊँचा उठाया जाता है लेकिन कलाम पाक हमें सिखाता है कि उन दोनों को खुदा ने एक साथ बनाया है एक बराबर बनाया है कोई नीचा नहीं है या कोई ऊपर नहीं है और कला में खुदावन हमें हकीकत सिखाता है और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि कलाम पाक में मर्द क्यों ज्यादा दिखाई देते हैं नारी क्यों दिखाई नहीं देते क्या खुदावन मर्दों को ज्यादा अहमियत देते हैं नारी की कोई अहमियत नहीं है लेकिन नहीं अगर हम कलाम पाक को पढ़े कलाम पाक कलाम खुदावन हमें सिखाता है कि खुदा ने दोनों को एक शांत बनाया है एक बराबर बनाए हैं और खुदा ने ईसा मसीह को दोनों के लिए भेजा इस दुनिया में ताकि ईमान ला सके उस पर और निजात पा सके और खुदा ने अपना मोहब्बत ईसा मसीह के तरीके से सब के लिए बयान किया इस दुनिया में और हाँ। हम जाएंगे और कलाम में देखेंगे कुछ ऐसे नारियों को जिनसे हमें सीखने मिलता है और हम देख सकते हैं कि कैसे खुदा ने उन जारियियों की जिंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तफादा किया आमीन आमीन हम अह अगर आप चाहें तो मैं उन आयत को आ, रुए पर्दा ले आ सकता हूं बहन अह मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अह सुनाएं खुदा का कलाम और मैं चाहूँगा कि ये कलाम पर्दे पर भी लाऊँ अगर आप मुझे इजाज़त दें इसकी तो मैं चाहता हूँ कि जबान का जो चेंज है यहाँ पर ज़रूरी है मेरे लिए क्योंकि अभी फ़ारसी में है और मैं इसको उर्दू में इसे तब्दील करूँ और हम खुदा का कलाम सुनेंगे और पर्दे पर भी दिखाएंगे अज़ीज़ दोस्तों के लिए ताकि सब खुदा के कलाम को समझ सकें तो बर मेहरबानी पर्दे पर है खुदा का कलाम और आप आ, आ, बांट सकते हैं आप शुक्रिया आ, हम जाएंगे खुदा के कलाम में आ, में लुका लुका आय लुका की लुका की इंजील उसके दस बाब में जी। दस बाब में ये है रुए पर्दा है और आ, किस किन आयत से आयत अठतीस से बयालीस अठतीस से बयालीस तक हम यहाँ पर आ, पढ़ेंगे खुदा के कलाम में से अठतीस से बयालीस तक आ, ये यहाँ पर है स्क्रीन पर और आप आ, चाहें तो मैं इसे पढ़ूँ यीशु ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो प्याला में पीने को हों क्या तुम पी सकते हो जो प्याला मैं पीने को हूँ क्या तुम पी सकते हो और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम ले सकते हो उन्होंने उनसे कहा हमसे हो सकता है यसु ने उनसे कहा जो प्याला मैं पीने को हूँ तुम पियोगे और जो बपतिस्मा मैं लेने को हूँ तुम लोगे लेकिन अड़तीस तक आपने कहा अड़तीस से शुरू करना है अड़तीस से बयालीस बयालीस तक।, तक लेकिन अपनी दहनी या बाएं तरफ किसी को बिठा देना मेरा काम नहीं मगर जिनके लिए तैयार किया गया उन्हीं के लिए है और जब उन दसों ने यह सुना तो याकूब और योहन्ना से खफा होने लगे मगर यीशु ने उन्हें पास बुलाकर उनसे कहा तुम जानते हो कि जो गैर कौमों के सरदार समझे जाते हैं उन पर हुकूमत चलाते हैं और उनके अमीर उन पर इख्तियार जताते हैं मगर बयालीस तक आपने कहा जी। आ, मैंने पढ़ा बयालीस तक आ, हम आ, आ, आपने लुका से कहा या मरकज से मैंने से और मैं मा, मैं माजरत चाहता हूँ मैं माजरत चाहता हूं। मेरे ख्याल में मैंने लूका से पढ़ा मरकज से पढ़ा लुका उसके दस बाब में लूका और उसके दस बाब में अगर मुझसे ग़लती हो बहन मुझे ज़रूर टोक देना और बता देना कि गलती हुई है ताकि क्योंकि हम सब इंसान हैं अब फिर से मैं पढूंगा यसु मरथा और मरियम से मिलने जाता है ये है आयात हाँ फिर जब जा रहे थे तो वो एक गांव में दाखिल हुआ और मरथा नाम एक औरत ने उसे अपने घर में उतारा और मरियम नाम उसकी एक बहन थी वो यीशु के पांव के पास बैठकर उसका कलाम सुन रही थी लेकिन मरथा ख़िदमत करते करते घबरा गई बस उसके पास आकर कहने कहने लगी अः खुदावन क्या तुझे ख़याल नहीं कि मेरी बहन ने ख़िदमत करने को मुझे अकेला छोड़ दिया है बस उसे आ, उसे फरमा कि मेरी मदद करे खुदावन ने जवाब दिया उससे कहा मरथा मरथा तू बहुत सी चीज़ों की फ़िक्र में तरद में है लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीनना ना जाएगा आमीन शुक्रिया आपका तो यहाँ पे हम देखते हैं कि मरियम जो कि एक नारी है वो यीशु के यानी ईसा मसीह के पास बैठी है और उनके कलाम को सुन रही है और और ईसा मसीह देखते हैं कि मार्था खिदमत करने में बहुत मसरूफ है और परेशान है यहाँ हमें एक बहुत सुंदर तस्वीर देखने को मिलता है अगर हम तारीख में देखें तो इस जमाने के जो लोग थे नारियों को मर्दों के साथ रहने का इतना इजाजत नहीं था लेकिन यहाँ हम देखते हैं ईसा मसीह अपने सारे शागि के साथ है और यहाँ पे मरियम भी उनमें से एक है और ईसा मसीह के पास बैठी है और उनके कलाम को सुन रही है आमीन। और ऐसे ही खुदा आज नारियों को चाहते है कि सारी नारियां खुदा का कलाम सुने सीखे उसको पाए अपने जिंदगी में और दुनिया में हम देखते हैं आज की बहुत सारी नारियों को कलाम से दूर रखा जा रहा है बहुत सारी नारियां खुदा के कलाम के बारे में नहीं जानती लेकिन यहाँ पे हमें खुदा ईसा मसीह के तरीके से सिखा रहे हैं कि नारियों को भी कलाम सीखने का हक है उनको उनको खुदा ने ईसा मसीह के तरीके से सिखाया अपना कलाम और मरियम ने बाद में खुदा का कलाम हमें नहीं पता कितने लोगों तक पहुंचाया होगा ऐसे ही अगर हर नारी खुदा का कलाम पहचानेगी अपनी जिंदगी में पाएगी वो उस कलाम को आगे बहुत सारे और नारियों या बहुत सारे और लोगों तक पहुंचा सकती है और खुदा का कलाम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को छू सकता है यहाँ पे ईसा मसीह क्योंकि खुद खुदा है मरियम को अपने आप से दूर नहीं करते हैं या मरियम को नहीं बोलते कि तू दूसरे कमरे से बैठ के मेरे कलाम को सुनू लेकिन वो ईसा मसीह के पास में पैरों पे बैठ के उसके कलाम को सुनती है और ईसा मसीह आखिर में बहुत सुंदर चीज बोलते हैं कि जो चीज मरियम ने पाई है कोई उससे नहीं छीन सकता यानी खुदा का कलाम अगर कोई अपने जिंदगी में पाता है कोई नहीं छीन सकता उसको। आमीन। आमीन ये यकीनी है ये यकीनी है जैसा कि आपने कहा कि उस ज़माने में आ, ऐसा था कि औरतें जो हैं वो अलग बैठती थीं मगर हमारे माशरे में जैसे कि आ, मैं और आप दोनों अफ़ग़ानिस्तान के हैं और पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है और अगर आप हिंदुस्तान में जाएँ और बहुत से लोगों के बीच में जैसे राजस्थान है जैसे हरियाणा है वहाँ पर अब भी औरतें चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो हनूद में से हैं इन सब में उनको अलग बिठाया जाता है सिर्फ मसीही क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ा है सिर्फ़ वो इस बात को जानते हैं इस तालीम को जानते हैं कि कैसे ख़ुदा की नज़र में नर और नारी बिल्कुल यकसा हैं, बिल्कुल बराबर है और हम देखते हैं कि उनके इबादत गाहों में भी एक पर्दा होता है उनके लिए अलग जगह होती है नमाज पढ़ने के लिए और मर्दों के लिए अलग जगह होती है इसमें कोई मुझे मुश्किल नहीं है मुश्किल ये है कि जब वो कहते हैं कि एक एक आ औरत जो है दो औरतों दो औरतों का गवाही देने के वक्त या किसी भी शहादत देने के वक्त या आ किसी भी चीज़ में दो औरतों की को वो एक मर्द के बराबर समझते हैं ये जो है खुदा यीशु मसीह ने यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा और मैंने इससे पहले इस पर तवज्जो नहीं किया था जब तक आज आपने इसको खोल दिया मेरे लिए मैं तीस तीस बरस से मसीही हूँ और चालीस बरस हुआ है कि मैं किताब मुकद्दस को पढ़ता हूँ मगर अब अब इस दिन तक मैंने इस पर तवज्जो नहीं किया था कि यहां पर मरियम जो है वो खुदावन यीशु मसीह के कदमों में बैठी है जैसे कि दूसरे मर्द भी बैठे हैं उसी तरह यहां पर यकसानियत है और खुदावन यीशु मसीह ने जैसे कि आपने यहां पर कहा कि खुदावन ने उनको जवाब दिया लेकिन एक चीज जरूर है और मरियम ने वो अच्छा हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा हालेलुया ये बहुत लाजमी है और मैंने ये आज आपसे बहन सीखा खुदा बना आपको बरकत दे खुदावंद आपको भी बरकत दे ऐसे ही दुआ करते हैं कि खुदा का कलम और भी लोगों को छुए और ये कलाम की सच्चाई और लोगों तक पहुंचे और ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और ऐसी बहुत नारियों को तो जो खुदा के खिदमत में लगे हैं और वो खुदा के लिए अपना करते हैं और अपने जलाल के लिए इस्तार करते हैं तीन में हम एक और नारी के बारे में पढ़ते हैं अमाल रसूलों के अमाल और उसके कौन से बाब अ बाब में जाते हैं मुझसे गलती न हो जाए फिर से और किन आयत से एक से तीन एक से तीन तक हम पढ़ेंगे और यहाँ पर रुए पर्दा आप अजीजों के लिए है और मैं चाहता हूँ कि इसे थोड़ा सा कलाम करूँ ये ताकि सब लोगों को ये नज़र आए ये कोरिंथस में उन बातों के बाद पॉलूस से रवाना होकर कोरिंथस में आया और वहाँ उसको आ, एक्विला नाम एक यहूदी मिला जो पेंतस की पैदाइश था आ, आ, जो पेंतस की पैदाइश से यहाँ वहाँ पर पैदा हुए थे और अपनी बीवी आ, प्रिसला समेत इतालिया से नया नया आया था क्योंकि कोलोदियस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रूम से निकल जाएं बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमा दोजी था आमीन आमीन शुक्रिया आपका यहाँ पे हम देखते हैं प्रिसिला को और उसके शोहर अक्विला को भी हम देखते हैं और यहाँ पे ये पॉलोस के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और ये हमकार होते हैं खैमा दोजी करते हैं एक साथ और ये शोहर जो है ये पोलोज के लिए बहुत नजदीक दोस्त होते हैं जो एक साथ खुदा का कर खिदमत करते हैं यहाँ पे बहुत एक सुंदर रिश्ता भी देखते हैं हम एक शोहर और शोहर और उनकी बीवी के बीच में हाँ जो एक बराबर काम कर रहे हैं बिल्कुल तो बस... वो एक बराबर काम करते हैं आमीन। हालेलुया। हम प्रा को देखते हैं जो कि खेमी का काम भी करती है और अगर हम और पढ़े प्रा के बारे में हम अमाल के 18 के 24 से 28 में भी पढ़ सकते हैं और रोमियो में भी पढ़ सकते हैं उससे हमें प्रीसिला के बारे में ज्यादा जानने को मिलता है कि वो खुदा का खिदमत भी करती है अपने शौहर के साथ वो पोलोस के साथ अलग जगहों पे जाते हैं ख़िदमत करने खुदावन का कलाम बांटने लोगों के साथ और अगर हम पढ़े वो अपने घर में भी लोगों को जगह देते हैं ताकि वो घर में एक कलीसिया बना सके अपने शौहर के साथ और बाद में वो अपोलोस नाम के एक शख्स को भी कलाम के बारे में ज्यादा इतला करते हैं और बताते हैं कलाम का आ, कलाम के बारे में और ज्यादा चीज़ें बताते हैं खुदा के बारे में और ज्यादा चीजें बताते हैं जो कि अपोलोस भी बाद में खुदा की खदमत में लग जाता है और हम देखते हैं यहाँ पे की कि प्रसिलाला कितना कुछ कर रही है उसकी जिंदगी को कितने अच्छे से इस्तेफाद कर रहे हैं प्रिसिला खुदा अलग तरीकों से कर रही है वो काम भी कर रही है व्यापार कर रही है कर रही है वो खुदा खिदमत भी कर रही है खुदा का कलाम दूसरों के साथ बांट रही है अपने घर में लोगों को जगह दे रही है ताकि कलिसिया अलिसिया हो उनके घर में और साथ में वो अपने शोहर के बराबर काम कर रही है और कितना ये एक सुंदर रिश्ता है कि बहुत खूबसूरत रिश्ता है हाँ। आमीन दोनों घर काम कर रहे हैं और कोई एक दूसरे को पीछे नहीं कर रहा है यहां पे पोलोस भी उनके साथ काम कर रहा है और उनका शोहर भी काम कर रहा है लेकिन उनका शोहर उन्हें कम नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे दोनों बराबर जाते हैं खदमत करते हैं और दोनों बराबर अपना काम भी संभालते हैं जो की फेमदोजी है तो ये एक बहुत सुंदर तस्वीर है और खुदा प्रिसिला की जिंदगी को इससे करते हैं दूसरों तक अपना कलाम पहुंचाने के लिए और यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है। आमीन आमीन वाकई बहुत ही खूबसूरत है जब हम देखते हैं कि मर्द और, और औरत यक्षा है और हमकार है जैसे कि आपने कहा वो हमकार है एक काम में एक काम को वो बताते हैं वो खुदावन के साथ भी हमकार हैं आ, और खुदावन की खिदमत के लिए और खुदावन के मलकूत के लिए और इंसानों के बीच में खुदावन के इंजील की मनादी के लिए वो यकसा काम करते हैं हाँ ये दुरुस्त है कि खुदावन ने मर्द को मर्द बनाया है और औरत को औरत बनाया है औरत मर्द नहीं है मर्द औरत नहीं है मगर दोनों बराबर हैं दोनों अकलो फहम में हर चीज़ में बराबर हैं हाँ एक बात ज़रूर है कि हम इसकी तरफ तवज्जो करें आ, बहुत से लोग आ, ये कह कर कहते हैं कि औरतें वो मर्दों से कम है क्योंकि मर्दों में जो है वो क़त जिस्मानी ज़्यादा है जैसे मर्दों की हड्डियाँ जो हैं वो मजबूत हैं क्योंकि हर एक के लिए खुदा ने एक अलग सा काम रखा हुआ है जैसे कि मर्द बहुत भारी भुरकम वजन उठा सकते हैं वगैरह मगर औरत यह नहीं कर सकती मगर किसी भी किसी भी मर्द में ये दम नहीं कि वो बच्चे को जने उस दर्द को सहे किसी भी मर्द में यह दम नहीं कि वो उस दर्द को सहे किसी भी बाप में यह दम नहीं कि वो उस माँ के दुख को समझे जिसके औलाद या किसी और गम में वो मुबतला हों और हमेशा से खुदा ने औरत को एक हमकार बनाया है इसलिए नहीं कि वो उनसे कम है बल्कि इसलिए कि वो दुख एक दूसरे के साथ बांटें मोहब्बत एक दूसरे के साथ बांटें घर के काम काज में चाहे अगर एक तरफ आ, कोई आ, मर्दाना काम हो तो दूसरी तरफ जो है वो एक जनाना काम है उन सब को ये बांटकर कर यकसा आ, खुदावन को जलाल देते हैं इसमें कोई कोई भी शक नहीं और जैसे कि हम अहद अतीक में देखते देखते हैं कि खुदावन ने कैसे देबोरा को चुना वो एक नबिया थी और जब मर्द जब मर्द पीछे हट गए रहबरी से तो खुदावन ने एक नबिया को कैसे इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए और वो जाते थे उनकी हिकमत को सुनने और खुदा के कलाम को सुनने के लिए वो देवोरा के पास जाते थे आ, लोग चाहे वो मर्द हो, वो औरत हो सभी जाते थे तो खुदावन की नज़र में खुदावन की निगाह में बिल्कुल यहाँ पर यकसानियत है कोई फर्क नहीं दोनों खुदा के यकसा दोनों खुदा के यकसा हमकार हैं हाँ बहन आगे जाते हैं शुक्रिया इतनी खूबसूरती से बया करने के लिए ऐसे ही हम कलाम में बहुत सारी नारियों को देखते हैं कि खुदा ने उनको कैसे इस्तेमाल करा अपनी जलाल के लिए और उन्होंने खुदा को जलाल दिया अपनी जिंदगी के साथ ऐसे ही हम रोमियो में रोमियों में जाते हैं बाब सोला आयत एक से दो रोमियो रोमियो के नाम खत और बाब सोला आपने कहा सोला बाब में जी और आयत एक और दो एक और दो को पढ़ते हैं यहाँ पर पालुस रसूल शख्सी सलाम भेजते हैं लोगों के लिए और ये हम पढ़ेंगे मैं तुमसे फेबे बहन फेबे कि जो हमारी बहन और कनखरिया की कलीसिया के खादिमा हैं सफारश करता हूँ कि तुम उसे खुदा में कबूल करो जैसा मुकदसों को चाहिए जैसा कि मुकदसों को चाहिए खुदावन मर्द औरत दोनों को मुकदस का खिताब देते हैं यहाँ पर मुकदसों को चाहिए और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही है क्योंकि वो भी बहुतों की मददगार रही है हालेलुया बल्कि मेरी भी बल्कि मेरी भी और तीन आयत भी पढूं बहन नहीं बस एक और दो बिल्कुल शुक्रिया तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पोल उस, पोल ने कितने खूबसूरती खुण, से अपना ये खत लिखा है जहाँ पे पहले आयत में वो बहन फीबी की बात कर रही है जो कि खादिमा है खुदावंत की दोबारा हम अगर फीबे के बारे में पढ़ें तो हमें देख देखने को मिलता है कि फीबे भी अपना एक काम काज संभालती है और वो कलीसिया में भी एक खादिमा है और बहुत से लोगों की मदद कर रही है तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक नारी भी ये सब काम कर सकती है एक नारी भी अपना काम संभाल सकती है और खादिमा हो सकती है और उसी समय में बहुत से लोगों की मदद भी कर सकती है और यहाँ मेरे लिए ये बहुत सुंदर है कि खुदा कितने आ, अजीम तरीके से फीबे का इस्तेमाल कर रहे थे और फीबे के तरीके से बहुत सारे और लोगों की मदद कर रहे थे यहाँ तक कि पोलोस की भी मदद कर रहे थे और एक आ, मुझे खुद इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है कि औरतों को भी खुदा ने एक शक्ति दी है एक कुदरत दिया है कि वो भी बहुत सारा काम संभाल सकते हैं आज हम देखते हैं लोग सोचते हैं कि नारी काम काज नहीं संभाल सकती या कली में खादिमा नहीं हो सकती या मदद नहीं कर सकती लेकिन खुदा का कलाम हमें सच्चाई दिखा रहा है कि खुदा एक नारी को अपने जलाल के लिए इस्तेफादा कर सकते हैं कि वो खादिमा बने या अपना कामकाज संभाले या लोगों की मदद करें तो ये बहुत एक सुंदर तस्वीर है जो कलाम-ए-मुकद्दस में हमें देखने मिलता है आमीन आमीन जब आ, आ, लोग ये कहते हैं कि मर्द जो आ, मर्द जो हैं वो ज्यादातर عاقل ہیں بہت سے کاموں میں تو مجھے مارگریٹ थैचर की याद आती है और वो एक आहिनीन औरत जिसने सियासत की दुनिया में बरतानिया को आगे कैसे बढ़ाया और वो आहिनीन औरत के नाम से मशहूर हैं और फिर इंदिरा गांधी की याद आती है वो अपने मौत तक जब तक वो इस दुनिया से कूच कर गई उस वक्त तक उसने कैसे हिंदुस्तान को संभाला और उसकी सियासत को देखते हैं हालांकि ये सियासत की दुनिया है और फिर कॉरेज़ीन अकीनों की मुझे याद आती है कॉरेज़ीन अकनों ने भी वैसे ही सियासत की दुनिया में और वो आ, बहुत ही मशहूर सियासतदान थी और पाकिस्तान में बेनज़ीर भुट्टो मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने भी आ, उसने आ, कैसे आ, 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 अपने दौरे सदारत में या फिर वजारत उजमा के दौर में आ, कैसे पाकिस्तान को आ, चलाया आ, तो खुदाबंद मर्द औरत दोनों से इस्ता कर सकता है चाह चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो चाहे वो किसी भी काम में हो चाहे वो आ, 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 खैर वरकत लोगों के बीच में जाना या वगैरह वगैरह एक और औरत जिसकी मुझे याद आती है वो बॉलीवुड में है शायद बहुत से लोग ये पसंद भी ना करें मगर मैं चाहता हूँ कि इसकी बात करूँ और वो है एंजेलिना जोली अगर आप एंजेलिना जोली की ज़िंदगी को देखें तो वो कैसे या कामों में हिस्सा लेते हैं और बहुत से ख़तरनाक जगहों में वो जाकर बहुत से ख़तरनाक अफ़ग़ानिस्तान में जाकर वो बच्चों के लिए औरतों के लिए खैर हैं पाकिस्तान में भी और बहुत से दूसरे मुमालिक में अफ्रीकी मुमालिक में अफ्रीकी वो जाकर ममालिकैरिया काम करती रहती हैं और वो कभी इससे थकती नहीं तो खुदाबन हर हर एक को इस्तेमाल कर सकता है चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो अब हम यहाँ पर मसीह की ख़िदमत और मसीह को जलाल देने के बारे में बात कर रहे हैं मगर दुनिया में खुदावन ने ऐसे लोगों को लाया है जिसकी जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं हालांकि वो मसीही भी नहीं हैं बेनज़ीर भुट्टो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वो मुसलमान थी और इंदिरा गांधी वो हिंदू थी कौरजीना कीनो वो कैथलिक थी और एंजलिना जोली के बारे में कहते हैं कि वो एक मसीह हैं उनके जो पिता हैं उनके जो वालद हैं आ, वो मसीही है आ, वो मैंने उनसे सुना है आ, ये दोनों एक्टर्स हैं और आ, इनको खुदावन इस्तेमाल कर सकता है तो आ, खुदावन के हुजूर मर्द और, और औरत बिल्कुल हैं जो का मर्द कर सकता है वो औरत भी कर सकता है आमीन हाँ जी बहन आमीन शुक्रिया ये सब इतने अच्छे से बया करने के लिए और ऐसी कला में खुदा में अगर हम देखेंगे तो ऐसे हमें बहुत सुंदर तस्वीरें देखने को मिलती है जहाँ पे ईसा मसीह नारी के साथ बात करते हुए दिखा देते हैं या उनको शफा देते हुए या या खुदा का मोहब्बत उनको दिखाते हुए और ये सब बहुत सुंदर तस्वीरें हैं और ऐसे योहना के बाद चार जो कि बहुत लंबा है अगर हम पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ेंगे बिल्कुल पढ़ेंगे यो, योहना की इंजील यूहन्ना की इंजील को जाएंगे चौथे बाब में आपने कहा जी बिल्कुल चौथे बाब में हम हैं और कौन सी आयत से यहाँ पे पूरे बाब में ज्यादातर अगर हम देखेंगे तो ईसा मसीह एक नारी के साथ बात करते हुए दिखाई देते हैं जो कि आ, वो समरियन नारी है हाँ जी उसके बारे में हम पढ़ते हैं मैं चाहता हूं कि इसका खुलासा सुनाऊं तो ये आ, उस कुएं के बाबत है जहां पर ये आ, औरत जो है वो पानी निकालने आती हैं और वो खुदाबंद यसु मसीह से बहस करने लगते हैं और इस बहस में ये खातून आ, फिर यीशु मसीह को आ, इबादत के बारे में कहते हैं और फिर आ, तुम यहूदी लोग इस 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 तरह इबादत करते हो हम जो है इस तरह इबादत करते हैं और फिर चौबीस आयत जो है वो मुझे बहुत पसंद है जिसका खुलासा खुदा यीशु मसीह करते हैं और उसके बाद ये औरत यह औरत बाद में देखते हैं कि वो जाकर पूरे गांव में पूरे शहर में खुदा यीशु मसीह के बारे में मनादी करती करती हैं तो मैं वो चौबीस आयत पढ़ना चाहते हैं तेईस और चौबीस मगर वो वक्त आता है बल्कि अब भी अब अभी है कि सच्चे परस्तार बाप की परसिश रूह और सच्चाई से करेंगे क्योंकि बाप ने अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है खुदा रूह है और ज़रूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें फिर वो औरत कहती हैं औरत ने उससे कहा मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्तस कहलाता है या क्राइस्ट कहलाता है आने वाला है जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा इनको मालूम है यसु ने उससे कहा मैं जो तुमसे बोल रहा हूं वही हूं। इतने में उसके शागिर्द आ गए और ताजुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है यानी उसके शागिर्द हालांकि तालीम भी सुनते थे फिर भी उनको ये समझ में नहीं आया क्यों ये मर्द सालारी का जमाना था ये मर्द सालारी का ज़माना था फिर बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और यहाँ पर लिखा हुआ है कि आ या उस आ लिखा हुआ इतने में शागिदा और तजुब करने लगे कि वो औरत से बातें कर रहा है तो भी किसी ने ये किसी ने न कहा कि तू क्या चाहता है या उससे किस लिए बातें करता है बस औरत अपना गड़ा छोड़कर शहर में चली जाती है और लोगों से कहने लगी आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम मुझे बता दिए क्या मुमकिन है कि मसीह यही है वो शहर से निकलकर उसके पास आने लगे यानी ये औरत जो है दर हकीकत खुदा ने मसीह के शागिरदों में से सबसे पहले औरत है जिसने खुदा की, की मनादी करना शुरू कर दिया आमीन आमीन शुक्रिया आपका पढ़ने के लिए और बयां करने के लिए जी जैसे आपने बोला हम देखते हैं कि कैसे खुदावन इस नारी से बात करते हैं जबकि लोग ताजुब करते हैं कि कैसे ईशू एक नारी से बात कर रहे हैं लेकिन खुदा कितने अजीम है कितने पूरा मोहब्बत है यहाँ पे वो इस नारी से बात करते हैं और उससे उसके सामने करते हैं कि वही वो मसीह है जो आने वाला था और वो पहचान लेती है ये और वो पहचानने के बाद शर्माती नहीं है कि उसके जिंदगी के सब सब कुछ के बारे में उसने बयान करा लेकिन वो जाके दूसरों के सामने बयान करती है कि इस शख्स को देखो जिसने मेरे बारे में मुझे सब बताया है और ये वो बयान करती है कि यही वो मसीहा है जो आने वाला था और कितना सुंदर है कि खुदा ने इस नारी का इस्ता किया ताकि वो जलाल पा सके और ताकि वो अपना कलाम दूसरों तक पहुंचा सके और कितना यहाँ पे एक सुंदर तस्वीर देखने को मिलता है और ऐसे ही खुदा तमाम नारियों को अहमियत देते हैं और ऐसी ही मोहब्बत करते हैं और खुदा आ, सारी नारियों नारियों के साथ ऐसी ही एक, आ, ऐसी ही एक एक ऐसी इतबाद बनाना चाहते हैं कि वो सारी नारियों को अपना मोहब्बत दिखा सके और अपना कलाम उन तक पहुंचा सके और आज के जमाने में या आज के समय में अः बहुत से ऐसी हम चीजें देखते हैं जो हमें आ, दुखी कर देता है नर और नारी के बारे में लेकिन जब ये यीशु मसीह का समय था यीशु मसीह ने उसी वक्त बहुत साल पहले जब मर्द का जमाना था वक्त मर्द का वक्त था उसी समय ईसा मसीह ने हमें एक तस्वीर दिखाया कि खुदावन नारियों को नारियों को उतने ही मोहब्बत करता है जितना आ, मर्दों को करता है खुदावन नारियों के साथ भी वैसे ही बर्ताव करता है जैसे मर्दों के साथ करता है आमीन आमीन आ, खुदावन आपको बरकत दे बहन और आ, मैं तशवीक करता हूँ सब लोगों को सब नाजरीन को कि ये प्रोग्राम शेयर करें दूसरों तक ताकि ये कलाम जो आज बहन सारा ने और बहुत खूबसूरती से बयान किया ये सब लोगों तक पहुँचे के खुदा बन के हजूर हम सब यकसा हैं चाहे वो मर्द हों चाहे वो औरत हों आपकी इजाज़त से बहन कुछ कमेंट्स भी पढ़ेंगे और देखेंगे के कमेंट्स को पढ़ेंगे और आ, मैं चाहता हूँ कि आ, आप दुआ में रहें और यहाँ पर आ, मैं कमेंट्स लाऊंगा परवेज़ भट्टी साहब जो हैं उन्होंने कमेंट दिया हुआ है आ, सर पास्टर रशीद पॉल एक्स मुस्लिम को भी टेस्टमोनी के लिए इनवाइट करें बिल्कुल अगर भाई रशीद पॉल हमसे राबिता करें तो ज़रूर हम उनकी गवाही को यहाँ पर रखेंगे और गाड ब्लस यू सर गाड ब्लस यू एंड आई लव यू ऑल टीम खालक मसीही साहब ये कहते हैं ये दो कमेंट्स यहाँ पर हैं और मैं जाता हूँ अपने ज़िंदगी के कलाम जो अकाउंट है उनमें से भी कमेंट्स पढ़ेंगे हारून भट्टी यहाँ पर कहते हैं गाड ब्लास यू गाड ब्लस यू टू हारून साहब और मुबारस आदिल अ गाड गाइड यू ऑल थैंक यू खुदा आपको भी हिदायत करे और मेरी आपसे ख्वाहिश है कि आप इंजील मुकद्दस को एक बार ज़रूर पढ़ें क्या आपने इंजील को पढ़ा है ये खुदा की खुशखबरी आपके लिए है पूरी गाइडेंस ये पूरी गाइडेंस पूरा हिदायत हिदायतनामा आपके लिए है और जैसा कि आपने लिखा है गॉड गाइड यू आल खुदा ने हमें गाइड किया हुआ है और वो गाइड ये है हमारे हाथ में यीशु की तालीम जो है वो हमारे लिए पूरी गाइड है और आतिया इनायत बहन स्टे ब्लस्ट यू यू टू माई सिस्टर और भाई फ़रहाद और बाानी फारसी में लिखते हैं और फ़ारसी में ये अमसाल की किताब और उसके चार बाब अठारह से सत्ताईस तक लिखते हैं और मेरी ख्वाहिश है आप सब अजीज़ों से कि उर्दू ज़बान में जाकर अंसाल की किताब और उसके चार बाब अट्ठारह से सतईस आए तक ज़रूर पढ़ें और इसमें से बरकत लें ख़ुदावन आपको बरकत दे हारून भट्टी साहब लिखते हैं आई एम फ्राम मतीमपुर आई एम अ प्रॉपर्टी डीलर माई ऑफिसज़ इन बरका हो इस्लामाबाद एंड प्रे फॉर माय बिजनेस ज़रूर हारून भट्टी साहब हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे खुदावन मैं अपने भाई हारून भट्टी साहब के लिए दुआ करता हूँ खुदावन तू उनके बिज़नेस में उनके काम काज में उनकी ज़िंदगी में उनके खिदमत में बरकत अता फरमा अ खुदावन तू उनका दस्तगीर बना खुदा बन खुदा मसीह के मुक़दस और मुबारक नाम से आमीन ज़रूर हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे और बहनों भाइयों से मैं भी ख्वाहिश करता हूं गुजारिश है मेरी कि भाई हारून के लिए ज़रूर दुआ करें आतिया बहन वेलकम लिखती हैं और खुदावन आपको बरकत दे और फूल भेज रहे हैं जान जान ब्लस यू ऑल इन द नेम ऑफ़ जीसस क्राइस्ट आर सेवियर नेम आप भूल गए हैं मगर uh, पता चलता है कि आपके आपका मतलब है नेम है खुदा आपको भी बरकत दे uh, खालिक मसीह गॉड ब्लस यू गॉड ब्लस यू एंड आई लव यू ऑल टीम बहुत शुक्रिया uh, भाई uh, बहन अतिया फिर लिखती हैं गॉड ब्लस ब्लसड वर्ड ऑफ लॉर्ड आमीन रफ़ी साहब लिखते हैं रफ़ी जवाद साहब फ़ारसी में लिखते हैं अर्मिया की किताब में से और उसके इकतीस बाब पच्चीस आयत में से लिखते हैं ज़ेरा मन जान खस्तगान रज़ा खां मैं जो थके हुए उनके जानों को ताजगी बख्शूँगा और इसको ज़रूर आप पढ़ें और खुदा अपने कलाम को बरकत दें और उस कलाम के वसीले से हम सब को बरकत अता फरमाएँ और मैं ये कहना चाहूँगा कि अगले हफ़्ते के प्रोग्राम में जो वेंसडे है या बुधवार के दिन हम एक शख्सी गवाही सुनेंगे और ये शख्सी गवाही पाकिस्तान से बवसीला टेलीफ़ोन हमारे लिए सुनाया जाएगा और उसके लिए मुंतजर रहें और मैं चाहता हूं कि आप दूसरों को भी इसके बारे में बताएं एक शख्सी गवाही के कैसे एक पठान एक पश्तून ने अपनी ज़िंदगी को खुदावन यीशु मसीह को दिया क्यों उसने जो कि मुसलमान दीन में धर्म में उसका जन्म हुआ मगर उसने आगे जाकर खुदा यीशु मसीह को अपना यगाना मुंजी और निजात दहिंदा कबूल किया ज़रूर उस प्रोग्राम को देखें खुदा आप सबको बरकत दे और मैं चाहता हूं कि आप इन प्रोग्राम्स को ज़रूर शेयर करें अपने दूसरे दोस्तों के लिए अपने फेसबुक्स में शेयर करें ताकि बहुत से और लोग भी इस प्रोग्राम से मुस्फीद हो सकें और शाह ज़ुबैर लिखते हैं खुदा आप दोनों को के साथ हो आमीन बहुत शुक्रिया खुदा आपको भी बरकत दे और बरकत से नवाजे और ख़ुदाप आपके साथ हो किताब मुक़दस में जैसा कि बहन ने कहा कोई कोई और फलसफा इंसानी फ़लसफा कोई और दीन या मजहब या धर्म हमारे लिए इस तरह वाज नहीं करता जिस तरह किताब मुक़दस में हम पढ़ते हैं कि खुदावन की जो खुदावन की तरफ से जो सब कुछ हमारे लिए दिया गया है इंसान के लिए वो बिल्कुल यकसा और बराबर दिया गया है बस सिर्फ फ़र्क ये है कि एक औरत है और एक मर्द है हाँ मर्द जो है वो औरत का काम नहीं कर सकता जैसे कि मर्द बच्चे नहीं जन, जना सकता क्योंकि खुदावन ने उसके लिए औरत को इंतखब किया हुआ हुआ है इसी वजह से खुदावन ने मर्द को दुरुस्त है कि खानवादे का या घराने का सर करार दिया है मगर वो मिसाल आपने सुना है वो एक फिल्म थी हॉलीवुड की एक फिल्म माय फैट ग्रीक वेडिंग जिसमें बीवी कहती हैं अगर मर्द अगर तो मर्द औरत का सर है तो औरत भी मर्द का गर्दन जिस तरह उसे चाहे मोड़ सकती है हाँ heu, heu, हाँ, हकीकत यह हाँ, है हकीकत यह है कि इसी वजह से खुदावन ने कहा कि मर्द और औरत वो एक बदन एक बदन होंगे और वो एक ठहरेंगे दो नहीं बराबर ठहरेंगे खुदाबन ने यह उसूल हमारे लिए अपने मुक़दस कलाम में दिया हुआ है ये नफ्ता है यहाँ पर मगर इसको खोलने के लिए आपकी ज़रूरत है आप इस कलाम को खोलें और समझें कि खुदावन की रज़ा खुदावन की इच्छा खुदावन की ख्वाहिश आपकी ज़िंदगी के लिए क्या है क्या आप एक औरत को अब भी हकीर समझते हैं इस 21वीं सदी में क्या आप अब भी ये सोचते हैं कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर है तो मैं दुआ करता हूं कि खुदावन आपके आंखों को खोले ताकि आप इस हकीकत को जाने कि खुदावन के हुजूर मर्द और, और औरत यकसा है बिल्कुल यकसा है खुदावन ने हम सब के लिए एक अलग अलग वजीफा जरूर दिया हुआ है मगर अकल फिक्र खिरत में हम सब को खुदा बनने ने यकसा बनाया है जस्मानी क़ोत के लिहाज से जरूर है कि मर्द जो है वो कवि है मर्द जो है वो ज्यादा जोर रखने वाला बंदा है और गुस्से में भी हाँ मगर क्या आपने ये सोचा है कि खुदा बन ने एक औरत को वो इखलाक दी है वो अश गुजरी दी है वो रहीम होने का तोहफा दिया हुआ है एक बच्चे को पालने का तोहफा दिया हुआ है और जैसे कि मुल्ला से साहेब अफगानिस्तान में फरमा रहे फरमा रहे थे वो कहते थे कि खुदावन ने खुदा ने औरत को नाकिस बनाया है क्योंकि मर्द के मर्द के इस से जो कि टेढ़ी थी उससे निकाला है इसी वजह से औरत जो है वो अकल में भी नाकिस है ये सब फजूल की बातें हैं ये सब इंसानी खुराफात हैं ये सब इंसानी हकमत से है खुदावन की हमत से नहीं क्योंकि खुदावन, खुदावन की हमत में क्योंकि खुदावन की हमत ने खुदा ने इंसान बनाया है हम सबको नर हो या नारी हो सब को इंसान बना बनाया है और सबको खूबसूरत करार दिया है जैसा कि यरमिया ही की किताब में मैंने इस प्रोग्राम के पहले में यरमिया की किताब से कुछ पढ़ा और मैं चाहता हूँ कि एक और आयत आपके लिए पढ़ूँ जिसमें किस खूबसूरती से खुदावन ने इंसान के बारे में मर्द या औरत नहीं बल्कि इंसान के बारे में ये कहा है इकतीस बाब यरमिया की किताब खुदावन कदीम से मुझ पर जाहिर हुआ खुदावन क़दीम से मुझ पर जाहिर हुआ और कहा कि मैंने तुझ से अबधी मोहब्बत रखी है इंसान मैंने तुझ से अबदी मोहब्बत रखी है इसलिए मैंने अपनी शफकत से अपनी शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई है अपनी शफ़क़त तुझ पर बढ़ाई है अंग्रेज़ी में अगर ये पढ़ा जाए तो अंग्रेजी में यूँ है। The Lord appeared of old unto me, saying, "I have loved you with an everlasting love; with loving kindness I have drawn you." मैंने आपकी तस्वीर खींची है मैंने आपके हाथ को लेकर आपको उस कुएँ उस दलदले गुनाह से खींचा है और अपना फर्जंद करार दिया है तुम मेरी सूरत पर बनी हो और मैं तेरा आसमानी बाप बनना चाहता हूँ मैं दुआ करता हूँ कि खुदा ने आपको बरकत दी है और क्योंकि हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है और मैं शुक्रिया बजा लाना चाहता हूँ बहन सारा की बहन सारा बहुत बहुत शुक्रिया आज के कलाम के लिए और आ, आ, अगले प्रोग्रामे प्रोग्रामों में अग, अगले महीनों में आने वाले महीनों में फिर बहन सारा से सुनेंगे खुदा का कलाम मगर उस वक्त तक के लिए हम दोनों को इजाज़त दें बहन सारा आ, 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 प्रोग्राम ख़त्म होने वाला है बहुत शुक्रिया आपका आपका भी शुक्रिया खुदाबंद आपको बरकत दे यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम से आप सब आजीज़ों को भी बरकत दे इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें और अगले हफ्ते अगले बुधवार को एक गवाही सुनेंगे शख्सी गवाही आमीन